नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ सिलिकॉन होंडा शोरूम आरवी रोड और आज कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा का एक्स ब्लेड और होंडा का हॉर्नेट। बट जो ये पुराना वाला हॉर्नेट है, एबीएस मॉडल वाला नहीं है। जब एबीएस मॉडल वाला आने के बाद आपको रियल लाइफ रिव्यू करके बताऊंगा। फिलहाल जो ये पुराना 160R है हॉर्नेट, वही बताऊंगा। दोस्तों, हॉर्नेट का शुरुआत हुआ था करीब 1999 में, जो एकदम बड़ा सा बाइक था, जापान में थे इसका जो शुरुआत हुआ था। पहले वहाँ पे जो 250 में आते थे और 280 में आते थे, उसके बाद जो 2015 के बाद वहाँ पे क्या हुआ, जो लीगली रूल्स के लिए हॉर्नेट को बंद करके और 550 और 560 हॉर्नेट लॉन्चेस किए, तो फिलहाल वही हॉर्नेट है। बट जो जापान में जो हॉर्नेट मिलता है, एक स्पोर्ट्स बाइक हॉर्नेट है, बट इंडिया में जो 160 सीसी वाला हॉर्नेट मिलता है। और एक्सप्लेयर तो ये नया वाला बाइक है, एक एडवेंचर जैसा दिखने वाला बाइक, बट एडवेंचर बाइक नहीं है, ये सिटी में चलाने के लिए है। दोस्तों, इस बाइक में 276 mm पेट्रल डिस्क ब्रेक मिलता है और इस बाइक में भी जो दोनों सेम 276 डिस्क ब्रेक मिलता है और ये है अलॉय व्हील 17 इंच का, और इस बाइक में भी आपको 17 इंच अलॉय व्हील है और आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंस है। और इस बाइक में भी जो आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंस मिलता है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है नया वाला हॉर्नेट। ये इस बाइक का हेडलैम्प विथ एलईडी डीआरएल के साथ। बट जो ए बाइक में एलईडी हेडलैम्प विथ एलईडी डीआरएल आता है और यहाँ पे नीचे एलईडी डीआरएल है और जो अंदर आप देख सकते हो एलईडी हेडलाइट है। एलईडी हेडलाइट बेहतर होता है कंपेयर टू हेलोजन लैम्प। और यहाँ पे आपको ग्लॉसली फिनिश किया हुआ विंडशील्ड मिलता है। यहाँ पे विंडशील्ड तो नहीं है, ये पूरी तरह से प्लास्टिक का है। दोस्तों, दोनों बाइक 160 सीसी का इंजन का है और दोनों बाइक सेमी इंजन है, पर जो हॉर्नेट 160 थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, करीब 15 BHP का हॉर्स पावर देता है, बट एक्सप्लेयर थोड़ा सा एक हॉर्स पावर कम है, बट एक हॉर्स पावर बाइक के लिए काफी होता है। बट जो हॉर्नेट दिखने में काफी शानदार दिखता है, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखता है हॉर्नेट। और एक्सप्लेयर भी काफी बेहतर, जो इसका शार्प डिजाइनिंग किया है होंडा ने, आप देख सकते हो इस बाइक को जो कहां पे भी आप देखो शार्प डिजाइनिंग किया है, चाहे टैंक हो चाहे पीछे का हिस्सा हो। और इस बाइक में पीछे रेजर स्टाइल टेल लैंप है और इस बाइक में आपको एक्स स्टाइल टेल लैंप मिलता है। ये टेल लैंप काफी बेहतर दिखता है और इस बाइक में 140 mm का टायर, और यहाँ ये भी 140 mm का टायर ही है और इसमें सिंगल आउटलेट एग्जॉस्ट है और इसमें ड्यूअल आउटलेट एग्जॉस्ट है। इस बाइक में पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, बट जो इस बाइक में जो पीछे डिस्क ब्रेक है, बट जो ये ऑप्शनल है CBS मॉडल पे ही आता है, आपको स्टैंडर्ड वर्जन में आता नहीं है। इसका प्राइस है करीब जो 84 तक इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, बट CBS के लिए शायद आपको देना पड़े 90,000 rupees। और दोनों बाइक मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आता है और इस बाइक में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंस दिया है। और ये अलॉय व्हील देखने में थोड़ा सा खूबसूरत है क्योंकि ये 5 spoke है, उसके साथ साथ थोड़ा सा स्प्लिटेड है। ये भी जो 5 spoke अलॉय व्हील ही है और इसमें ड्यूअल आउटलेट होने वाला एग्जॉस्ट।
और यहाँ पे भी अपर डिपर और इंडिकेटर हॉर्न मिलता है। ये 12 लीटर का टैंक है, 2.5 लीटर का रिजर्व। दोस्तों हॉर्नेट में भी फुल्ली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आप कई सारे जो कंट्रोल्स कर सकते हो, यानी कि फ्यूल गेज कंट्रोल सिस्टम कर सकते हो, उसके साथ साथ न्यूट्रल का जो इंडिकेटर है, लाइटिंग का इंडिकेटर है और इंडिकेटर का इंडिकेटर बटन है। तो कई सारे जो अच्छे से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट जो कंपेयर टू होंडा हॉर्नेट, बट एक्सब्लेड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो गियर इंडिकेटर है, कई सारे जो कंट्रोल सिस्टम्स उसमें है। और इस बाइक में भी आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक मिलता है। आपको ये देखने में कैसा दिख रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दिखने में इतना खास नहीं दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा रेडी हो तो बेहतर दिखता था, फिर भी जो ये दिखने में काफी शानदार दिखता है। दोस्तों दोनों बाइक का माइलेज है करीब सिटी पे तो 40 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे देती है करीब 42। हॉर्नेट में दो वेरिएंट आता है, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट, एक सीबीएस वेरिएंट। सीबीएस वेरिएंट टॉप एंड है, प्राइस करीब 90,000 तक है और स्टैंडर्ड वर्जन का शुरू होता है करीब 84,000 रुपीज। जो प्राइस होता है वो वेरी करता रहता है स्टेट टू स्टेट। दोस्तों आपको बताइए कि जो नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आपको कंपैरिजन कैसे लगा, और एक्स ब्लेड अच्छा लगा या आपको हॉर्नेट अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। आगे से देखने में तो एक्स ब्लेड काफी खूबसूरत है, रोबो स्टाइल हेडलैम्प है। दोस्तों होंडा का सीबी हॉर्नेट 160 में 4 कलर का ऑप्शन है। फिलहाल आप देख रहे हो स्पोर्ट्स रेड, एथेटिक ब्लू मेटालिक का ऑप्शन भी है, मार्स ऑरेंज का ऑप्शन भी है, उसके साथ साथ स्ट्रिंकिंग ग्रीन का भी ऑप्शन है। बट जो आपको एक्स ब्लेड में कई सारे जो कलर्स मिलते हैं, ये है आप देख रहे हो ब्लू और पेरल स्पार्टन रेड, ये है मैट मार्शल ग्रीन, ये दिखने में काफी शानदार दिखता है। उसके साथ साथ मैट फॉर्जन सिल्वर, पेरल इग्निशन ब्लैक, उसके साथ साथ एक और कलर आता है, ये है मैट का ब्लू। तो आपको बताइए कौन सा कलर पसंद है, या ये कलर पसंद है या ये वाला, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। दोस्तों हॉर्नेट एक बहुत ही शानदार बाइक है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रिव्यूज आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वो सारे वीडियोस आप मिस आउट ना कर पाए इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए।